वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कई वर्ष मिनिस्टर के नाते जो काम किए, मुझे भी सहयोग मिला उनके साथ काम करने का। 2009 से 2014 तक ऐसे एनसीपी के नेता श्री शरद पवार जी, जो कांग्रेस पार्टी की संगठना यहाँ पर जो कर रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर श्री रमेश चैनीताला जी, वो दिखने में अभी भी बहुत यूथ कांग्रेस के नेता जैसे दिखते हैं, लेकिन वो 70 पार किए हैं। उनको देखते ही ऐसा मालूम नहीं होता, और उनका अनुभव भी स्टूडेंट्स यूनियन से लेकर राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, वर्किंग कमेटी के मेंबर के नाते काम किए हैं। ऐसे एक नेता को हमने महाराष्ट्र के लिए चुन कर डाले हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट वर्कर्स के साथ काम किए हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाना जरूरी है, ये समझ के मैंने ये निर्णय लिया। और सोनिया गांधी जी का भी हमको परमिशन मिला, राहुल गांधी जी के साथ भी हमने बात करके आज वो एक संगठन को मजबूत करने के लिए, और नाना पटोले और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के साथ कोऑपरेट करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम वो कर रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है वो केरला से आते हैं, जहाँ पर हमारी पार्टी केडर बेस्ड है, उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, नाना पटोले पीसीसी के अध्यक्ष हैं, आप सभी जानते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन मेरे के लिए नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को जान भर दी है और सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और सुशील कुमार शिंदे जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कईयों दिन से हर पद पे वो काम किए हैं, एक अध्यक्ष के नाते, गवर्नर के नाते, चीफ मिनिस्टर के नाते, सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर के नाते, हर पद उन्होंने उनको मिला है, और उसमें अच्छी कामयाबी करके उन्होंने महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। पृथ्वीराज चव्हाण जी, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और वरिष्ठ नेता है, वो भी उपस्थित इस मंच पे हैं। और मुकुल वासनिक, जो बचपन से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक वो काम कांग्रेस पार्टी में एक क्रियाशील नेता के रूप में वो अपनी पूरी शक्ति लगा के पार्टी को मजबूत बना रहे हैं।
और ऑल इंडिया में भी वो अपनी छवि रखते हैं। बाड़ा साहेब थोरात है जो बहुत कम तो नहीं बोलते लेकिन बहुत ये माइल्ड बोलते ना, क्या बोलते, बहुत ही हाँ एक जोर जोर से नहीं बोलते लेकिन जो कुछ बोलना है ठोस बोलते हैं। तो वो अब वो वर्किंग कमिटी मेंबर भी सेंट्रल वर्किंग कमिटी मेंबर, कांग्रेस वर्किंग कमिटी सेंट्रल की, जो 35 लोग रहते हैं उनमें वो एक है। और जिसको पहले हमने बनाया था वो भाग गया, इसीलिए हमको उनसे भी अच्छा आदमी लाने के लिए हम कोशिश किए। इसीलिए मैं पवार साहब से विनती करता हूँ, जरा संभालिए आप उनको, जो कौन कुछ बोलना है कान में हमेशा बोलते जाइए, लेकिन सब मिलके काम करना है और मिलके हमको चलना है। उसके बाद में विजय वडट्टीवार, वो हमेशा लड़ने की क्षमता रखते हैं और वो अरे बैठो मैं बोले सो गलती हुआ क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ हर एक आदमी का एक चरित्र है। और वर्षा गायकवाड़ महिला है, अरे बैठो भाई, नहीं तो देखो अगर आप ऐसा गड़बड़ करते रहे शांति के साथ नहीं बैठेंगे, मुझे मेरे भाषण को बंद करना पड़ेगा। सुनो, आप सुनने के लिए आए, स्लोगन ये बाहर करो ना, ये पार्टी को शक्ति लाने की स्फूर्ति रहती है स्लोगन में, वो बाहर करो, या अंदर सुनने की बात करो। और हमारे जो वर्षा गायकवाड़ ने जनरल सीट से जीता और पूरे आघाड़ी के लोग भी उनके साथ रहे, और इसीलिए हमारे कर्नाटक से जनरल सीट पे जीतने वाली महिला वर्षा गायकवाड़ है और कर्नाटक से जीतने वाली एक महिला हमारे चिक्कोड़ी से आती है, जो आपके लक के हैं, बेलगाम और चिक्कोड़ी महाराष्ट्र को लग के हैं। उसके बाद में संजय राउत तो चले गए, क्योंकि जब उनके लीडर आते हैं तो साथ आए फिर साथ गए, लेकिन मैं उनको देखना चाहता था, वो भी कुछ बात करें। माणिकराव ठाकरे आपके सामने यही होंगे, जो हमारे इंचार्ज है गोवा के, पहले उन्होंने अच्छा काम तेलंगाना में किया, उसके बाद में अब वो हमारे इंचार्ज गोवा के हैं, वो भी हाजिर हैं। आरिफ नसीम खान जो रिसेंटली वर्किंग कमेटी में हमने स्पेशल इनवाइटी के नाम से जो माइनॉरिटी को देने के लिए जो तय हुआ था, और इस रिशफल में उनको भी एक मौका काम करने के लिए मिला है, और वो भी हमेशा बहुत घूम के फिर के लोगों में जोश लाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं, आपको वो भी संभालना पड़ता है। तो हर एक आदमी के पास ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन पार्टी के लिए अच्छा ही होता है। और जब
कभी हमको जरूरत होती है सभी लोग मिलके काम भी करते हैं, इसीलिए नासिम खान, फिर डॉक्टर नासिर हुसैन जो राज्यसभा मेंबर है हमारे कर्नाटक के, हैदराबाद कर्नाटक एरिया के, वो भी आए हैं। और तुषार गांधी जी बहुत अच्छी बात रखे, मुझे मालूम नहीं हुआ कि तुषार गांधी जी को मोदी क्यों डरते। मैं बोला उनको है ना, हाँ मैं बताया उनको, क्या है मोदी जी आपसे डरते क्यों है, बोला। तो हमारी एक मीटिंग थी जो गांधी स्मारक, जो एक उस ट्रस्ट से हम गांधी के आइडियोलॉजी पे बात, जो अच्छे विचार रखकर उसका प्रचार करते हैं, या उस तत्व के ऊपर जो जिनका गहरा अभ्यास रहता है, उनको वो प्राइज दिया जाता है, 10 लाख का प्राइज होता है। तो उसमें अपोजिशन लीडर मेंबर रहता है, तो मैं 2014 के और 19 के बीच में जो एक उसका मेंबर था, तो उसमें हमारे गोपाल कृष्णा जी भी मेंबर थे, गोपाल गांधी जी, तो वो भी मेंबर थे, हम तीनों लोग बैठे थे। एक तरफ हमारे मोदी साहब, एक तरफ मैं, और एक तरफ वो गोपाल गांधी बैठे थे। तो वो पूछ रहे थे कि जरा गोपाल गांधी जी, अब जरा वो तुषार गांधी को बोलिए क्यों ऐसा मेरे खिलाफ लिखता है, हर जगह बोलता है, ये जरा उनको संभाले। तो उन्होंने बोले, अरे उसका इंडिविजुअल व्यक्तित्व है, मैं कैसा उसको बोल सकता हूँ, उन्होंने कहा। तो इसीलिए अगर डरता है मोदी सबसे ज़्यादा एनजीओस में या सोशल वर्करों में, ये गांधी से डरता है। ऐसा तो हर गांधी से डरता है, लेकिन तुमसे भी डरता है। और ऐसे तुषार गांधी जी, चंद्रकांत धांडोरे जो हमारे मेंबर हैं वर्किंग कमेटी के, उसके बाद राज्यसभा मेंबर भी है, और वो अपने आप को बड़े लकी साबित हो गए, गिर गए फिर उठ गए, फिर गिर गए फिर उठ गए। तो बहुत उनको भी, उनका काम देखकर आखिरी भी कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा मेंबर भी बनाई है, वो भी हमको मजबूत करने में अपना हाथ बटाएंगे। अलका लांबा ये तो दिल्ली से आए हैं महिला, तो इसके लिए, और यहाँ पर जो चाइल्ड रेप का एक एजिटेशन चल रहा है, उसी लिए वो यहाँ पर आए हैं। उसके बाद में यशोमती ठाकुर, उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त है, जब आप उसको माइक देंगे, उन्होंने भी सबको अपने बातों से ही सबको उड़ा देंगे। और प्रणति शिंदे, वो बात करते हैं सोच समझ के, और उन्होंने भी महिला के ओर से अपनी बात हमेशा रखती है। मैं 2-4 बार देखा, जब हमारी पार्लियामेंट की पार्टी होती है, जिसमें जब कोई अगर बोलता है महिला कैसी टीते मिले उधर, उसी वक्त ताली बजाती, बाकी के वक्त नहीं बजाती। यानी महिलाओं के लिए ये लोग लड़ने हैं। और हमारी पार्टी में यशोमती ठाकुर हो, प्रणति हो, और भी है बहुत से, लेकिन इस मंच पर मैं बहुत ज़्यादा इन्हीं का नाम लेते बैठा है, तो मेरी बात रह जाएगी। और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और जितने भी खासदार हैं, आमदार हैं,
हॉल में उपस्थित बहनों और भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, तो ये सभी पार्टी के हमारे खंभे हैं, इसको मजबूत से रखना है और सभी लोग हमको काम करना है। खासकर मैं महाराष्ट्र के इतिहास को थोड़ा कुछ जानता हूँ। महाराष्ट्र की इस पुण्य धरती को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, गोखले और जो सामाजिक सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान नायकों की ये धरती है। संतों में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ जैसे महान हस्तियों की ये जगह है। साथियों, मुंबई हमारे नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की ये जन्मभूमि है। 1944 में आज ही के दिन यहाँ राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। तब उनके नाना नेहरू जी महाराष्ट्र में ही अहमदनगर जेल में कैद थे। तो कैद थे, जेल में थे, कैद करके जेल में डाले थे। चलो, महाराष्ट्र में ही अहमदनगर जेल में उनको रखा गया था और इधर राजीव गांधी जी का जन्म हो रहा था। ऐसी जैसा कि अभी हमारे एक एनसीपी के नेता शरद पवार जी ने बोला, ये गांधी फैमिली देश की सेवा इस ढंग से करती है। एक उनके नाना जेल में है, दूसरे यहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है। ये वो महाराष्ट्र धरती है जो लोगों को यहाँ पर, क्रांतिकारी लोगों को पैदा की, त्यागी लोगों को पैदा की और त्याग करने वाले लोग इस महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। और 224 महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की ये शताब्दी है। और जब महाराष्ट्र और एक था, बेलगाम महाराष्ट्र जिले में ही था, महाराष्ट्र स्टेट में था, मुंबई स्टेट में, तो गांधी जी का जो अध्यक्ष बने थे 1924 में, वो बेलगाम में उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकारा था। वो एक ही बार अध्यक्ष बने, वो भी महाराष्ट्र में, अब जो कर्नाटक में है, इसीलिए हम कर्नाटक वाले बोलते हैं हमारे पास ही हुआ है गांधी जी। तो ये ऐसा इस महाराष्ट्र का इतिहास है और बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, पॉलिटिकल हो और सामाजिक हो, हर फील्ड में, हर पहलुओं में महाराष्ट्र के लोग काम किए हैं और दूसरों को भी मदद करने की यहाँ भावना है। कोई भी बोलता, अगर बेकार आदमी है, भाई बम्बई जाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, ये कहावत है। इसीलिए तो बम्बई इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ मोर और लेस 2 करोड़ के नजदीक आया होगा पॉपुलेशन। हाँ, इतने लोग आते हैं, बसते हैं, वो विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन एक होकर यहाँ पर जो देश के लिए भी काम कर रहे हैं और देश के आर्थिक परिस्थिति को भी ऊपर उठाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। और राजीव जी यहाँ के
जो यहाँ पैदा होने के बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, मनाने के लिए आप भी आ सकते हैं, और शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी भी आएंगे, तो मैं फौरन मान लिया, क्योंकि दूसरे पार्टी के नेतागण भी आ रहे हैं और मुझे जाना उचित होगा, इसीलिए मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया। साथियों, राजीव जी के नेतृत्व में देश के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सीट 415 सीट मिले, और ये हमेशा बोलते हैं कौन, मोदी जी, इस बार 400 पार, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा झटका दिया तो मोदी को तड़ी पार कर दिया, और अब वो अपने बलबूते पे अपने पैरों पे नहीं ठहरे, उनकी सरकार अब उसको दो टांग लग गए हैं, मोदी को दो टांग लग गए, एक टीडीपी और दूसरा जेडीयू, तो अगर वो दोनों टांग निकल गए, मोदी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन हमेशा भाषण में बोलते थे मोदी है तो सब मुमकिन है, फिर कहां 400 गए भाई तुम्हारे, मुमकिन था ना, तो ये घमंड से बात करते हैं, बड़े बड़े इनको इतना घमंड है शायद किसी और को नहीं, 415 सीट आने के बाद राजीव गांधी जी चुपचाप बैठकर अपना काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनके जमाने में 11 प्रोजेक्ट इस देश में ऐसे लाए जो सबके भलाई के लिए लाए, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, रूरल डेवलपमेंट में हो, और जरे हमारे महिलाओं को जो आरक्षण पंचायत राज में दिया वो किसकी देन है, राजीव गांधी की देन है, और युवाओं के लिए बहुत बातें करते हैं बीजेपी वाले, विवेकानंद का जो जन्मदिन जिसने मनाया वो राजीव गांधी ने मनाया, अब वो विवेकानंद को अपने बगल में लेके, ये हमारा हिंदू का बहुत बड़ा नेता है, अरे उन्होंने कभी बोले ही नहीं, उन्होंने अपने विचार को देश के सामने रखा, अमेरिका में जाके भाषण दिया, लेकिन ये लोग अब उनके, लेकिन तुमसे पहले राजीव गांधी जी ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए सब तरफ काम किया, और युवाओं में शक्ति भरने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाने का उन्होंने पूरा बेड़ा उठाया, और ये सिद्धांत के लिए और डेमोक्रेसी को ठीक रखने के लिए उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, और एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के बाद लोगों को एक स्थिरता, स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी ये समझ के उन्होंने किया, लेकिन मोदी तो या उनके पार्टी के लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन सब सरकारें थोड़ी, ये मोदी सरकार, मोदी और बीजेपी ने तोड़ी, महाराष्ट्र में किसने तोड़ा, उन्होंने ही तोड़ा, कर्नाटक में किसने तोड़ा, उन्होंने ही तोड़ा, मणिपुर में किसने तोड़ा, उन्होंने ही तोड़ा, उत्तराखंड में हमारी जब सरकार थी उसको कौन निकाला, उन्होंने ही निकाला,
गोवा में था, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, कितने उदाहरण दो। और ये अपने आप को चैंपियन बोलते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षणदार है, संविधान के। और जो संविधान के रक्षक हैं, ऐसा बड़ी बड़ी बातें बाहर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरेक को, हरेक MLA को तोड़ने का, यहां तक कि राज्यसभा मेंबर को तोड़ने का, और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, आप विचारों के पास कैंडिडेट थे या नहीं मुझे मालूम, शरद पवार साहब के पास एक को लिए, वो लेते ही फौरन वहां एक उनको राज्यसभा दी। हमारे पास से एक आदमी भाग कर गया, उस आदमी को भी लिए फौरन राज्यसभा मेंबर बनाए। और एक हमारे महाराष्ट्र मुंबई के नेता थे, वो भी भाग गए, उनको एक राज्यसभा। अरे इतने रेवड़ियां उन्होंने बांटी अपने हुकूमत को ठिकाने के लिए, और उनको मेजॉरिटी नहीं थी, 2/3 मेजॉरिटी बनाने के लिए सबको लेते गए। फिर भी चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उनको मुंह तोड़कर जवाब दिया और 240 पे उतरे। अरे ये कुवत इस भारतीय जनता की है, हिंदुस्तान के लोगों की कुवत है। डेमोक्रेसी को टिकाने के लिए हमारे लोग मेहनत करते हैं और नीतियां बनाते हैं, जैसा कि जो जो पब्लिक सेक्टर से लेकर हर चीज हमने बनाई, राजीव गांधी जी ने बनाया, लेकिन इनका कुछ भी नहीं, सब बेचने का काम। हमने जो करके रखा था, पब्लिक सेक्टर्स इतने बड़े बड़े थे, यू नो, एक एक करके बेच के खा रहे। एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेचा, और रास्ते बेच रहे हैं टोल लगाकर, रेलवे बेच रहे हैं। और कल के दिन अगर उनको चांस मिला, किसी ने बोला कि हवा को भी कंट्रोल करके टैक्स लगा सकते हैं, तो वो भी करेगा। ये मोदी देश के भलाई के लिए नहीं आया, ये हुकुम शाह बन के इस देश को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे माँ बहने उसको मौका कभी नहीं देंगे, और देश को आजाद रखेंगे, लोकतंत्र को आजाद रखेंगे, संविधान को बचाएंगे। ये जो हमारी पहले से हम कोशिश कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे, और आपका आशीर्वाद जब तक है तब तक इस संविधान को, लोकतंत्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मैं वायदा करता हूं। और इतना GDP की बात बहुत करते हैं, राजीव गांधी जी के जमाने में GDP ग्रोथ रेट 10.2 था, हमारे शरद पवार साहब जानते हैं, उनके समय में 10.2, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सभी चीजें आगे थे। इवन UP में भी हम एग्रीकल्चर में बहुत से डेवलपमेंट किए, शरद पवार साहब यहाँ गवाह है, और उनके हाथ में ही था वो। जो कुछ हमने देश के लिए किया वो सब कुछ आज मोदी एक एक करके कहते हैं कि ये मेरा है। अब ये बोलने का छोड़ दिए उन्हें, मेरा 36 इंच की छाती है वो जरा कम कर दिए, अब कभी नहीं बोल रहे 56 इंच, सॉरी मैं, आप याद दिलाए अच्छा हो, एकदम 56 इंच आया। मैं बच्चा बोला अब कम, जरा कम हो गए शायद, रहने दो, मेरा 56 इंच की छाती है। मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने खुद ही बोलते हैं। कोई लीडर अपने आप को
अपनी तारीफ करके लोगों को बताता है, लोग बताना चाहिए कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। तो ये मोदी गवर्नमेंट हमेशा ये करते आ रही है, और हम जो काम किए हैं, ये देखिए युवाओं को हमने जो वोटिंग की राइट दी, 18 साल के बच्चों को वोटिंग का राइट दिया, क्या मोदी दिया? अरे पहले 21 साल था उसको 18 साल के, लेकिन आजकल के नौजवानों को ये मालूम ही नहीं था कौन सा क्या किए। नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, ये आज के लोगों को मालूम नहीं है, उसी लिए उनको गुमराह करते हैं। और ये कहते हैं मैं युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोले तो अब तक 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है भाई, 20 करोड़ लोग बेरोजगार से तड़प रहे हैं, महंगाई से तड़प रहे हैं, और इनकी महंगाई इतनी हो गई है कि उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे, लेकिन वो बात कभी नहीं करेंगे। और वो पहले से वही बोलते हैं इमरजेंसी में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या बोला, अरे तुम क्या करे वो पहले बोलिए, अब तुम्हारा हिसाब हम पूछ रहे हैं, हमारा हिसाब तो हम दे के आए ना। हर बोगस प्रोपोगंडा आपने किया, कोल का किया और स्पेक्ट्रम का किया, हर चीज का तुमने एक झूठ बोल बोल कर उसको हवा बनाए थे, लेकिन तुम एक काम भी नहीं किए। बहरहाल पहले तो बोले, अभी भी बोलते, कभी कभी फोटो आती है स्वच्छ भारत, कभी दो तीन फोटो निकालने के लिए वो स्वच्छ भारत का झाड़ू लेके दो। यहाँ हमारे पार्टियों में देश में इतने लोग हैं, रोज बगैर झाड़ू मारे तो शहर का सफाई नहीं होती। अब मोदी एक दिन ऐसा लेके फोटो में ठहरे तो उस देश सफाई होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सब लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ इसको आगे लाना है, और हमारी सरकार आए जैसा करने का काम आपका है। और कोविड के वक्त भी मोदी ने क्या किया, वैक्सीन आया तो वहां पर उन्होंने अपना फोटो लगाया हर एक इस पे, लेकिन राजीव गांधी जी BCG, TB, OPV, पोलियो, DPT के टीकों के लाखों बच्चों के जीवन की रक्षा हुई। भारत वैक्सीन उत्पादन में इसी से दुनिया में बहुत आगे निकला था, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट पर उन्होंने कभी अपनी फोटो नहीं चिपकाई जो मोदी ने अपनी फोटो चिपकाई। ऐसे चिल्लर काम करते हैं, ऐसे चिल्लर काम करते हैं। अरे भाई कितने, अब देखिए अब यहाँ पर शरद पवार साहब है, कितने उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को शुगर फैक्ट्री का, स्कूलों का, लोग आर्थिक दृष्टि से ऊपर लाने का बहुत काम किया, और किसानों के लिए भी जब वो मंत्री थे तब उन्होंने सब्सिडी दी, उत्पादन भी बढ़ाया। मैं समझता हूँ शरद पवार साहब आप कभी उन थैलों पे अपनी फोटो लगाई है नहीं, क्योंकि उन्होंने सीनियर है मेरे से 2 साल, पूछता हूँ उनको तो, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल में बहुत दिन काम किए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कोई नेता काम करता है सरकार का
अपनी फोटो लगाकर तमाशा नहीं करता। और ये तमाशा ये सरकार कर रही है बीजेपी, और इसीलिए आप ऐसे बोगस सर्टिफिकेट देने वालों को और बोगस बातें बोलने वालों को दूर रखिए, क्योंकि वो शाम यहाँ घुस गया महाराष्ट्र में, और उससे आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप बोलेंगे भाई एक अगर एक चुप बैठो भाई, सुनने का सुनो ना। देखो अगर आप बोलेंगे गलती से, ये साफ है भाई, इसको नहीं छूना बोल के अगर मैं बोला, वो कैसा रहता देखेंगे बोल के पकड़ने गए तो आपको वो विष तुम्हारे शरीर में उतरेगा। नहीं मैं जरा विष है भाई इसको मत आप छुओ बोल के अगर मैंने कहा, नहीं मैं चारा चाट के देखता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो क्या हालत होगी तुम्हारी। वैसा ही बीजेपी एक विष है जैसा है, एक पॉइजन जैसा है, इसको चाट के देखने की जरूरत नहीं, इसको निकाल के फेंकने की जरूरत है। और दोस्तों राजीव जी खुद 28 दिसंबर 1985 को कहा था, अभी हमारे लिए विश्राम का समय नहीं है। जैसा कि नेहरू जी ने कहा था, हम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि आराम का मतलब उन लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए उन विश्वासघात होगा जो दिवंगत हो चुके हैं, देश के लिए लड़ चुके हैं, और जाने से पहले हमें आज़ादी की वो मशाल सौंप के गए हैं जिसे हमें जला के रखना है, हमेशा लोगों को दिखाना लेके जाना है। ये जो शब्द है नेहरू जी के है, इसका कोट 85 में इसी मुंबई में राजीव गांधी ने किया था। तो इसलिए मैं आप सभी से ये विनंती करता हूँ कि आप यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी को और आघाड़ी को जो बचा के रखे हैं, इसके वजह से ही मोदी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती तो संविधान बदलाव के तरफ जाते, उससे रोका। इसीलिए मैं महाराष्ट्र के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ, तुमने मोदी को डिक्टेटर बनाने से रोक दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, जो हमारे जो नैतिक विचार है, आइडियोलॉजीज है, उसको आगे ले चलना है। इसमें क्या है मराठी ठीक है, हम तो AICC राष्ट्रीय नेता है, त्याला इथंच तेवढं कशाला करता, नंतर बघू। राज्यसभा में भी ये देखिए, आप समझेंगे, संविधान बचाने का मुद्दा अभी भी हमारे सबसे प्रमुख मुद्दा है। आप बोलेंगे हो गया इलेक्शन, अब आगे क्या होगा। अरे भाई, संविधान बचाने के लिए सांसद ही नहीं, MLAs और राज्य में राज्य सरकारों की भी जरूरत होती है। ये जरूरी इसलिए है, राज्यसभा में भी राज्यों से सांसद चुनकर जाते हैं, संविधान संशोधन में राज्यों की भी भूमिका होती है। हमारे पास राज होंगे या राज्यसभा में बहुमत होगा तो संविधान की जो बदलाव की बात कोई नहीं करेगा और आंख उठा के कोई नहीं देखेगा। अगर हम राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी, हमारे MLAs नहीं होंगे,
तो राज्यसभा में चुन के कहां से आएंगे? अगर राज्यसभा में चुन के नहीं आएंगे, आप मोदी के अमेंडमेंट्स को कैसे रोकेंगे? जो अच्छे अमेंडमेंट है हम देश के लिए, वो स्वागत करेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो एससी एसटी माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी, लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत है, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजोरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे, सब आरएसएस के लोगों को वहां भर के दे देते। और आरएसएस के लोग एक जगह आए तो वो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को भरते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी नहीं चाहते, वो लोग दूसरे लोगों को मदद करना नहीं चाहते, सिर्फ अपना ही देखते हैं। इसीलिए आज सभी लोग सतर्क रहना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट एमपी इलेक्शन होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट एमएलए इलेक्शन होता है, राज्य का भी इलेक्शन होता है, और उसी से राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी होती है, उसके बाद में फिर राज्यों में जब वो कानून आता है, वो भी 50% से ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वोट डालते वक्त, राज्यों में भी वोट डालते वक्त, किस पार्टी को हम आगे लाना चाहिए और किस पार्टी इस देश की हिफाजत करती है, उधर हमको देखने की जरूरत है। और आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों, और इनकी तो बदहाली उन्होंने की है, उधर देखते भी नहीं उन्होंने सिर्फ देखते तो ही लोगों को, कौन अदानी अंबानी, अच्छा वो दो ऐसे कितने हैं किसको मालूम, ये अब दो बाहर आए हैं, ये दो बच्चे बाहर आए हैं, अभी कितने हैं किसको मालूम। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, और आप इस देश के लिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसकी रक्षा की जवाबदारी आप पर है, उनकी रक्षा करना आपका काम है। आपके हाथ में तो बाबा साहब अंबेडकर अपना संविधान सौंप दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में लोकतंत्र को टिकाने के लिए उन्होंने भी अपनी सत्ता आपको सौंप के गए हैं। राजीव गांधी जी ने इस देश में महिलाओं और हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए उन्होंने 73-74 अमेंडमेंट लाकर वो बड़ा काम किया। इसकी हिफाजत करो आप, एक दूसरे से हम ये बोलेंगे नहीं, लेकिन चंद लोग हमारी बुनियादी विचारों को खत्म करना चाहते हैं ना, उनके लिए बोलना जरूरी है, क्योंकि वो फायदेमंद है उनको। इसीलिए मैं आपसे यही विनंती करूंगा। और दूसरी बात ये है, सिलेबस भी चेंज कर रहे हैं। मैंने ये सवाल राज्यसभा में उठाया था, हमारे शरद साहब को भी ये मालूम है, पवार साहब को, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियाम्बल रहता है छठी और तीसरी क्लास में, उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाला भाई? क्या वो पाकिस्तान का था क्या? क्या अमेरिका का था? क्या हमारे अंग्रेजों का था? अरे हमारा संविधान जो
बाबा साहब अंबेडकर ने प्रियाम्बल लिखा जिसको पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पंडित जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल सभी ने मिलके मौलाना अब्दुल आजाद सभी ने मिलके दिया हुआ था, उसको तुम निकाल निकाल के बदल कर निकाल रहे हो। बच्चा पढ़ना नहीं, क्या पढ़ना? आरएसएस के गाने पढ़ना, आरएसएस के जो भी लोग लिखते हैं उनका चरित्र पढ़ना। ये काम वो कर रहे हैं, संविधान बदलने का भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये सिलेबस बदलने का भी वो पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने विचारों को वहाँ पर लाना उनका एक मकसद है। और दूसरी चीज़, एक तरफ तो मोदी जी को महाराष्ट्र में सरकार होना, बीजेपी की सरकार होना, अरे दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टमेंट आते हैं वो अपने घर को ले जाते हैं। गुजरात बोले तो उसका घर ना भी, तुम हम बोलते हैं कभी कभी, इसलिए समझो। तो ये अपने होम स्टेट को लेके जाते हैं, बुलेट ट्रेन जापान से 1,00,000 करोड़, अब उसकी कीमत हो गई 3,00,000 करोड़। बुलेट ट्रेन मुंबई टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मुंबई, कहाँ है भाई तुम्हारी बुलेट ट्रेन? कितने साल हो गए? अगर वो पूरा भी हुआ, कोई गरीब आदमी उसमें नहीं बैठेगा, इतना महंगा वहां पर होगा। अभी रेलवे के सब भाड़े बढ़ गए हैं। हमारे जमाने में यूपीए सरकार जब थी 10 पैसा भाड़ा बढ़ा तो सब लोग चिढ़ जाते थे। आपको उदाहरण देता हूं, बगैर पूछे हमारे रेलवे मिनिस्टर, हमारे द्विवेदी त्रिवेदी क्या नाम था उनका, नहीं नहीं वो बंगाल के, हाँ दिनेश त्रिवेदी, पाप बेचारा, वो किलोमीटर को 10 पैसे बढ़ाया, सब लोगों ने क्रिटिसाइज करने वाले, ये 10 पैसे बढ़ा रहा, 10 पैसे बढ़ा रहा। तब ममता बनर्जी ने ये सुन के उनको गुस्सा आया, मेरा आदमी मेरे को बगैर पूछे ऐसा किया, तो उसकी मिनिस्ट्री से ही निकाल दिए। और यहाँ वैष्णवी और मोदी दोनों मिलके 5-10 बढ़ा रहे रुपीस, और बड़े बड़े जो दूर फासले के जो भी रेलवे के जर्नी है, रेलवे जर्नी बहुत महंगी कर दी है, कुछ नहीं बोल रहे लोग। अरे हमारे जमाने में रेलवे तोड़फोड़ करते थे, आते थे, लेकिन मैं आपको तोड़फोड़ मत करो बोलते, नहीं तो आप बोलेंगे कि खड़गे साहब बोल के लिए इसीलिए हम तोड़फोड़ कर रहे। लेकिन आपको समझा रहा हूँ, लोगों के हित में वो कभी काम नहीं करने वाले हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में पक्की सरकार लाना एमईए की, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार यहाँ लाना जरूरी है, सबक सिखाना जरूरी है। और ये जो खेल चल रहा है मोदी जी का और शाह साहब का, देखो आप उनके उनको महाराष्ट्र मॉर्टगेज मत करो, गिरवी मत डालो इन दोनों को, वहां से चला रहे महाराष्ट्र चलेगा, महाराष्ट्र के लोगों के तरफ से चलेगा, नहीं कि दिल्ली से मोदी और शाह से नहीं। इसको आप देखो, इसीलिए इतनी लंबी बातें मैं कर रहा हूँ ताकि आप बहुत से लोगों को थोड़ा बेजार भी होगा होगा, क्योंकि भाई कितनी बात कर रहे हैं ना, तो हमको तो छोड़ो हम चले जाते, ऐसी स्थिति। मैं इसीलिए आपको बोलने का ये कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हम संविधान को अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बताया कारण, असेंबली भी इलेक्शन,
राज्यों के इलेक्शन भी क्यों महत्वपूर्ण है ये इसीलिए मैं आपको बताया। और इधर इधर तो पूछो मत, ईडी, आईटी, सीबीआई, जो कुछ एजेंसीज गवर्नमेंट के है वहां सब, जहां कांग्रेस के सरकार है, जहां गैर बीजेपी के सरकार है, वहां पर के नेताओं को इतना उनके ऊपर प्रेशर्स डाल रहे हैं कि हमारे पास आके बोलते हमारे लोग, साहब मेरे को यहां तक आया, क्या आया भाई, नहीं ईडी का, इनकम टैक्स का, बहुत डरा रहे, इसीलिए हम जाते साहब जो छोड़ो, अब हम क्या बोलेंगे, चलो भाई जाओ, जाने वाले जाते हैं, जो मजबूत है वो रहते हैं, या ऐसे झाड़ के जो पत्ते और फंटियाँ रहते ना वो कुछ तोड़ सकते हैं, लेकिन जिसके जड़ मजबूत है झाड़ के उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ने से आज बहुत से उनके मंसूबे को मार गिरा है, नहीं तो पहले बहुत से कानून आते थे, कानून बगैर किसी को पूछे पास करना, किसानों के तीन काले कानून आए, लेबर के कानून आ गए थे, इन कानूनों को बगैर पूछे स्टैंडिंग कमिटी को भेजे, वो हमेशा, या जॉइंट पार्लियामेंट्री हम डिमांड करते थे तो भी नहीं सुनते थे। आज गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूत होने के कारण परसों जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट एक्ट था उसको मजबूरन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री को उनको भेजने का, ये ताकत है आप में, रोक सकते हैं आप, अगर खुला छोड़े तो पूरा खेत हमारे तरफ बोलते हैं, अगर कोई जानवर को बहुत खुला छोड़ दिए तो पूरा खेती खराब कर देता है और खा लेता है, तो इसीलिए हमको इसको फेंसिंग डालना है, और अब फेंसिंग हमारी इंडिया गठबंधन डाली है, अब भागते नहीं है। और अब देखिए, सोचिए, कभी कोई होम मिनिस्टर, मुझे तो मालूम नहीं, कई होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट संभाला और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी संभाला, अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी संभाला, कहीं उदाहरण है कोई, मुझे तो मालूम नहीं, शरद साहब जानते होंगे कि ये कोई होम मिनिस्टर को आप कभी ने ये पोर्टफोलियो दिया था कोऑपरेटिव, शिंदे नहीं, अब मैं किसको तो पूछूंगा आपसे, इसलिए पूछ रहा हूं, आप सबसे सीनियर है, आप के जमाने में ऐसा कोई हुआ, कोई होम मिनिस्टर मेरे को वो भी दे हो, ये भी दे हो, कोऑपरेटिव दे हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव दे हो, अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक दे हो, अरे कई के लिए, पैसे बनाने के लिए। पहले जो नोटबंदी हुई ये बैंकों में ही उन्होंने बदलाव कर लिया, बैंकों में भर भर के उनके तो पैसे ठीक हो गए, उनको मिल गए, लेकिन गरीब लोग जो घर में अपने बच्चों के शादी के लिए रखे थे, बच्चों के किसी पढ़ाने के लिए, इनके पैसे डूब गए, और ये बीजेपी वालों के पैसे बच गए, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उनके साथ, सब चीजें, और ईडी ये कभी भी पहले नहीं होता था, सीबीआई ठीक है होम मिनिस्ट्री के पास रहता था, सब चीजें अदला बदल करके एक के हाथ में लाकर आज जो आप कर रहे हैं उसको आज नहीं कल आपको भुगतना पड़ेगा, और आज नहीं कल आपकी स्थिति वैसी ही होगी जैसी आज आप लोग विरोधी पार्टियों के साथ कर रहे हैं। जस्ट दोस्तों, मैं और एक बात कहूंगा कि ये अहंकार बहुत है इनमें, तो इसीलिए मैं कहता हूं ये घमंड और अहंकार छोड़ना चाहिए,
एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहे। जो आईने के सामने जाएगा उसकी तस्वीर आएगी। तो ये मोदी साहब घमंड बहुत करते हैं, उनके पार्टी के लोग भी बहुत घमंड करते हैं, उनको याद रखना है। ये मैंने जो कहा ये उनके लिए ही कह रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ मुंबई में जरूरत क्या है? एमएसएमई को बढ़ाना। बड़े बड़े अब तुम्हारे धाराभाई जैसे जो बड़े स्लम एरियाज है, यहाँ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग, किधर नीचे दुकान है तो ऊपर मकान है, ऐसी एरिया में बहुत हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए, लेकिन गरीबों के लिए कभी सोचते नहीं, वो सिर्फ रात दिन अमीरों के लिए सोचते हैं, और उनकी सोच गलत है। और ये लोग बहुत दिन देश को चला नहीं सकते, आज ने कल वो गिरने वाले हैं। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने रखा और इंडिया गठबंधन में भी चर्चा हुई, इसलिए हुई। कौन कहाँ है यह मालूम करने के लिए नहीं, उनके जैसा डिवाइड करने के लिए नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, अपने को जो 7-8 जज होना उनको बिठाना, जजमेंट दिलाना, और सब शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब सब में झगड़े लगाते जाना। ये नियत हमारी नहीं है। किसको ऊपर उठाना, किसको मजबूत करना, किसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, इसके लिए हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं और आखिरी दो बात बोल के मैं अपने शब्द को खत्म करता हूँ, और वो ये है कि आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो लड़ना सीखना चाहिए। और जाता बात करने वाले लड़ नहीं सकते, जैसा कि हमारे शरद पवार सब कम बात करते हैं, लेकिन अंदर से अंदर लड़ने का भी सीखे हुए तुम लोग जरा वैसे। इसीलिए मैं एक शायर ने कहा है वो कहूंगा, आप लड़ नहीं सकते तो बोलिए, आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, और साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल तो बढ़ाओ। अगर यदि यदि वो भी नहीं कर सकते, यदि वो भी नहीं कर सकते, तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो। यदि वो भी नहीं कर सकते, अरे इधर बैठी है, उधर बैठी है, बोलते मैं मेरे सामने की। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं और एक बार आपको पढ़ता हूं, क्योंकि आपका ध्यान इधर नहीं था उधर था। लड़ नहीं सकते तो बोलो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। आप नहीं काम कर सकते तो दूसरों का मनोबल तो बढ़ाओ। और तीसरा, यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से का लड़ाई लड़ रहा है। तो ये आपको करना है। आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, लिखना नहीं, ठीक है, काम करना वो भी नहीं है, कम से कम जो करने वाले हैं
उनको तो आप मजबूत करो ताकि आपके आपके काम वो लोग कर रहे हैं, उनका मनोबल तुम बढ़ाओ। यही हम चाहते हैं, लड़ो और लड़ो, लड़ते रहो, जब तक आपको विजय नहीं पाएंगे तब तक लड़ते रहो। ये कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करूंगा और प्रचंड बहुमत में आप चुन के लाना, यही कहकर मेरे शब्दों को खत्म। अभी राष्ट्रगीत होने वाला है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी जगह पे खड़े रहें। जय महाराष्ट्र। राष्ट्रगीत होगा, मैं चाहूंगा कि सभी कांग्रेस के सिपाही अपनी जगह पे खड़े रहें। और MRCC की तरफ से पहले सत्कार होगा, यहाँ पे आए हुए सभी कांग्रेस परिवारों का धन्यवाद, और खास करके इस राजीव गांधी जयंती में आए हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय रमेश जी और सभी मंच का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके जो प्रतिज्ञा ली गई उन्हीं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। Tira de. Magie, magie.